पदार्थ अतीत भावातीत जगत के लिए। तिब्बत में तो जैसा हमने तिलक आविष्कृत किया, तिब्बत ने तो ठीक ऑपरेशंस भी आविष्कृत किए। अब तिब्बत ही कर सकता था क्योंकि तिब्बत ने जितनी मेहनत की है मनुष्य के तीसरे नेत्र पर, वो थर्ड आई पर, उतना किसी और सभ्यता ने नहीं किया। सच तो यह है कि तिब्बत का पूरा विज्ञान और पूरी समझ, जीवन के अनेक आयामों की समझ उस तीसरे नेत्र की ही समझ पर आधारित है। जैसा मैंने कायसी का आपके लिए कहा, तो कायसी तो एक व्यक्ति है, तिब्बत में तो सैकड़ों साल से व्यक्ति जब तक समाधि में ना जाए तब तक दवा का कोई पता ही नहीं लगाते रहे, पूरी सभ्यता ही वो काम करती रही। समाधिस्थ व्यक्ति से ही दवा पूछेंगे, उसकी दवा का ही उपयोग है, बाकी तो सब अंधेरे में टटोलना है। उन्होंने तो ऑपरेशंस भी विकसित किए, ठीक इस डेढ़ इंच के भीतर जो जगह है उस पर ऑपरेशंस भी करने के प्रयोग किए, उसको बाहर से भी तोड़ने की कोशिश की, वो टूट जाती है, बाहर से भी टूट जाती है। लेकिन बाहर से टूटने में और भीतर से टूटने में एक फर्क है, इसलिए भारत ने कभी उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो मैं आपको ख्याल में दे दूं। उसे भीतर से ही तोड़ने का आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। बहुत संभावना यह है कि वो अपने इस नए आधे मस्तिष्क की सक्रियता का दुरुपयोग करेगा। उसकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुए, वो आदमी वही का वही है, उसकी चेतना में कोई साधनागत अंतर नहीं हुए, और उसके मस्तिष्क में नए काम शुरू हो गए। अगर वो आदमी आज दीवाल के पार देख सकता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कुएं में किसी गिरे आदमी को देख के निकालने जाएगा, इसकी बात की बहुत संभावना है कि किसी के गड़े हुए खजाने को खोदने जाएगा। अगर वो आदमी ये देख सकता है कि उसके भीतरी इशारे से आपको आज्ञा दी जा सकती है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा, इस बात की बहुत संभावना है कि आपसे वो कोई बुरा काम करवाएगा। ऑपरेशन हो सकता था, भारत को भी उसके सूत्र पता थे, पर उसका कभी प्रयोग नहीं किया। नहीं प्रयोग किया इसीलिए कि जब तक व्यक्ति की चेतना भी भीतर से इतनी विकसित ना हो कि नई शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए, तब तक उसे नई शक्तियां देना खतरनाक है। बच्चे के हाथ में जैसे हम तलवार दे दें, बहुत डर तो यह है कि वो दो चार को काटेगा, डर यह भी है कि वो अपने को भी काटेगा। और बच्चे के हाथ में दी गई तलवार से किसी का भी मंगल हो सकेगा, इसकी आशा करना दुरासा मात्र है। तो चेतना के तल पर अगर व्यक्ति के भीतर की चेतना विकसित न हो, उसके हाथ में नई शक्तियां देना खतरनाक है। तिब्बत ने उस जहां हम तिलक लगाते रहे हैं वहां ठीक भीतर तक भी छेद करने की कोशिश की है भौतिक उपकरणों से, इसलिए तिब्बत बहुत सी बातें जान पाया, बहुत से अनुभव कर पाया, लेकिन फिर भी तिब्बत कोई नैतिक अर्थों में महान देश नहीं बन पाया। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। तिब्बत बहुत काम कर पाया लेकिन फिर भी नैतिक अर्थों में वो एक बुद्ध भी पैदा नहीं कर पाया। उसकी जानकारी बढ़ी, उसकी शक्ति बढ़ी, अनूठी बातों का उसे पता चला, लेकिन उन सब का उपयोग बहुत छोटी बातों में हुआ, उनका बहुत बड़ी बातों में उपयोग नहीं हो सका। भारत ने कोई सीधा भौतिक प्रयोग करने की कभी चेष्टा नहीं की, चेष्टा यह की कि भीतर से चेतना को इकट्ठा करके इतना कंसंट्रेट, इतना एकाग्र किया जाए कि चेतना की शक्ति से ही वो तीसरा नेत्र खुल जाए, उसके ही प्रवाह में खुल जाए, क्योंकि उसके प्रवाह को तीसरे नेत्र तक लाना एक बड़ा नैतिक उपक्रम है, उसे इतना ऊपर चढ़ाना, क्योंकि साधारणतः हमारा मन नीचे की तरफ बहता है। सच तो यह है कि हमारा मन सेक्स सेंटर की तरफ ही बहता रहता है। हम कुछ भी करते हो, हम चाहे धन कमाते हो, चाहे पद की चेष्टा करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, हमारा सब करने के पीछे कहीं गहरे में काम वासना हमें खींचती रहती है। धन भी हम कमाते हैं तो इसी आशा में कि उससे काम खरीदा जा सके,
और पद की भी हम इच्छा करते हैं इसी आशा में कि पद पे बैठकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे काम को खरीद लेने में। इसलिए अगर पुराने दिनों में राजा की इज्जत का पता इससे चलता था कि कितनी रानियां उसके पास है, तो वो ठीक मेजरमेंट था, वो ठीक, क्योंकि पद का और कोई मूल्य क्या है, पद का करोगे क्या, कितनी स्त्रियां तुम्हारे हरम में, उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े पद पर। पद का भी उपयोग, धन का भी उपयोग घूम के तो काम वासना के लिए ही होना है। हम जो भी करेंगे हमारी सारी शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ती रहेगी, और जब तक शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ रही तभी तक व्यक्ति अनैतिक हो सकता है। अगर शक्ति को ऊपर की तरफ दौड़ानी है तो काम की यात्रा रूपांतरित करनी पड़ेगी। अगर आज्ञा चक्र की तरफ शक्ति को ले चलना है तो काम की यात्रा को बदलना पड़ेगा, रुख पूरा ध्यान पीठी फेर लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ और मुंह करना पड़ेगा ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वमुखी होना पड़ेगा। ये जो ऊर्ध्व गमन है ये यात्रा बड़ी नैतिक होगी, इसमें इंच इंच संघर्ष होगा, इसमें एक एक कदम कुर्बानी होगी, इसमें जो क्षुद्र है वो खोने की तैयारी दिखानी पड़ेगी ताकि विराट मिल सके, इसमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतनी सारी कीमत चुका के जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचता है उसे जो विराट शक्ति उपलब्ध होती है वो उसका दुरुपयोग कैसे कर पाएगा, दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं उठता। दुरुपयोग करने वाला तो इस मंजिल तक पहुंचने के पहले समाप्त हो गया होता है। इसलिए तिब्बत में ब्लैक मैजिक पैदा हुआ ये ऑपरेशन की वजह से, तिब्बत में अध्यात्म कम पैदा हुआ और जिसको हम कहें कि शैतानी ढंग का उपद्रव ज्यादा पैदा हुआ, ब्लैक मैजिक पैदा हुआ। इस तरह की ताकत हाथ में आनी शुरू हो गई। सूफियों में एक कहानी जीसस के बाबत, ईसाइयों में उसका कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मैं सूफियों से कहता हूं। जीसस की बहुत सी कहानियां सूफियों के पास है, ईसाइयों के पास नहीं है। कई बार तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मुसलमानों के पास है, ईसाइयों के पास नहीं है। जीसस के जीवन ये घटना भी उनमें से एक है कि जीसस के तीन शिष्य जीसस के पीछे पड़े और उनसे कहते हैं कि हमने सुना है और देखा भी कि आप मुर्दे को कहते हैं कि उठ जाओ और वो उठ जाता है, हमें तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये तरकीब सिखा दो, ये मुरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाए। जीसस उनसे कहते हैं लेकिन ये मंत्र का उपयोग तुम स्वयं पर कभी ना कर पाओगे क्योंकि तुम मर चुके होगे, फिर मंत्र का उपयोग कैसे करोगे और दूसरे को जिलाने से तुम्हें क्या फायदा होगा। मैं तुम्हें वो तरकीब बताता हूं जिससे कि तुम मरो ही नहीं। वो कहते हैं हमें इसका कोई, आप हमें बहलाएं मत, हमें तो ये मुद्दे की बात बता दें, ये चीज जानने जैसी है। वो इतने पीछे पड़े हैं कि जीसस ने कहा कि ठीक है। जीसस ने उन्हें वो सूत्र बता दिया जिस सूत्र के उपयोग से मरा हुआ जिंदा हो जाता। वो तीनों भागे उसी दिन जीसस को छोड़कर भाग गए मुर्दे की तलाश में। अब देर करनी उचित नहीं, मंत्र में कोई शब्द भूल जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, इसका जल्दी प्रयोग करके दे। दुर्भाग्य गांव में गए कोई मुर्दा नहीं, दूसरे गांव की तरफ निकले तो बीच में अस्थि पंजर पड़ा हुआ मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक, मुर्दा भी नहीं मिला, चलो यही ठीक। मंत्र पढ़ा, जल्दी थी बहुत, वो शेर के अस्थि पंजर थे, शेर उठ के खड़ा हो गया, वो उन तीनों को खा गया। सूफी कहते हैं कि यही होगा, वो जो कुतूहल और अनैतिक चित्त का कुतूहल खतरे में ले जाता है। बहुत बार बहुत से सूत्र जानकर भी छिपा लिए गए बार बार कि वो गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाएं। सामान्य आदमी को भी खबर दी गई तो उसे इस ढंग से दिया गया कि जब वो योग हो जाए तभी उसे पता चल पाए। सोचेंगे आप तिलक के संबंध में मैं ये क्यों कह रहा हूं,
हर बच्चे के माथे पर तिलक लगा दिया जबकि उसे कुछ पता नहीं है। कभी उसे पता होगा, कभी उसे पता चलेगा तब वो इस तिलक के राज को समझ पाएगा। इशारा कर दिया गया है किसी जगह का, ठीक जगह पर निशान बना दिया गया है। कभी जब उसकी चेतना इतनी समर्थ होगी तब वो इस निशान का उपयोग कर पाएगा। कोई फिक्र नहीं 100 आदमियों पर लगाया गया निशान और 99 के लिए काम नहीं पड़ा, कोई फिक्र नहीं, एक को भी काम पड़ जाए तो कम नहीं है। इस आशा में 100 पे लगा दिया गया है। कभी किसी क्षण में उसका स्मरण आ जाएगा तो पता चल जाएगा। तिलक के लिए इतना मूल्य, इतना सम्मान कि जब भी कुछ विशेष घटना हो, शादी हो रही हो तो तिलक हो, कोई जीत के लौट आए तो तिलक हो। कभी आपने सोचा कि हर सम्मान की घटना के साथ तिलक? ये सिर्फ लाफ एसोसिएशन का उपयोग है, क्योंकि हमारे चित्त में एक बड़े मजे का मामला है। हमारा चित्त दुख को भूलना चाहता है और सुख को याद रखना चाहता है। हमारा चित्त लंबे अरसे में दुख को भूल जाता है और सुख को याद रखता है, इसलिए तो हमें पीछे के दिन अच्छे मालूम पड़ते हैं। बूढ़ा कहता है बचपन बहुत सुखद था, कोई और बात नहीं है, दुख को ड्रॉप कर देता है मन हमारा, सुख की श्रृंखला को कायम रखता है। जब लौट के पीछे देखता है तो सुख दिखाई पड़ता है, बीच बीच में जो दुख थे उनको हम गिरा आए रास्ते में। कोई बच्चा नहीं कहता कि बचपन सुखद है, बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते और सब बूढ़े कहते हैं बचपन बहुत सुखद है। जरूर कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही। अभी जितने बच्चे उनको खड़े करके पूछो कि तुम क्या होना चाहते, वो कहेंगे हम बड़े होना चाहते। जितने बूढ़े उनसे पूछो क्या होना चाहते, वो कहेंगे हम बच्चे होना चाहते। मगर एक बच्चा गवाही नहीं देता तुम्हारे साथ, बच्चा जितने जल्दी बड़ा हो जाए। इसलिए कई दफे तो ऐसी कोशिश करता बड़े होने की जिसका कोई हिसाब नहीं। सिगरेट पीने लगता है इसलिए वो देखता है कि सिगरेट जो सिंबॉलिक है बड़े आदमी का, कोई और कारण से नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों में 100 में से 70% बच्चे इसलिए सिगरेट पीते हैं कि सिगरेट जो है प्रेस्टीज का प्रतीक, उसको ताकतवर बड़े लोग प्रतिष्ठा वाले लोग पीते हैं। वो भी पी के धुआं जब उड़ाता है तो भीतर उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है। समबडी उसको मालूम पड़ता है कि मैं भी कुछ ऐसा वैसा नहीं। किसी फिल्म पे लिख दें कि इसको सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं, बच्चे सब नकली मूछ लगा के फिल्म के भीतर प्रवेश कर जाए। क्यों? बड़ा होने की बड़ी तीव्र आकांक्षा, जल्दी। मगर सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बड़ा सुखद था, कहीं कोई बात हो रही है। बात कुल इतनी ही है कि मन दुख को भुला देता है, गिरा देता है, दुख याद रखने जैसी चीज भी नहीं है। एक बहुत हैरानी का सूत्र पियागेट नाम के मनोवैज्ञानिक, जिसने 40 साल से बच्चों पर मेहनत की है, उसका कहना है कि 5 साल से पहले की किसी बच्चे को स्मृति नहीं रहती बाद में। उसका कुल कारण यह है कि 5 साल की जिंदगी इतनी दुखद है कि उसको याद नहीं रखा जा सकता। ये हम सोच ना सकेंगे, पर पियागेट ठीक कहता, अनुभव से कहता, भारी अनुभव से कहता है। आपको अगर कहा जाए कि आपको कब तक की याद है, आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल 4 साल लौट पाते हैं। फिर क्यों नहीं लौटते पीछे? और क्या उस वक्त मेमोरी नहीं बनती थी? बनती थी। क्या उस वक्त घटना नहीं घटती थी? घटती थी। क्या उस वक्त किसी ने गाली नहीं दी और किसी ने प्रेम नहीं किया? सब हुआ है। पर मामला क्या है, 4 साल के पहले की स्मृति का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास? पियागेट कहता है कि वो दिन इतने दुख में बीतते हैं क्योंकि बच्चा अपने को इतना दीन, इतना कमजोर, इतना हीन, सबसे दबा हुआ, इतना असहाय अनुभव करता है कि उसका कुछ भी याद रखना उसको पसंद नहीं, उसको ड्रॉप कर देता, भूल ही जाता। वो कहता 40 साल पहले तो मुझे कुछ याद ही नहीं, कुछ याद नहीं, क्योंकि बाप ने कहा बैठ तो उसको बैठना पड़ा था, माँ ने कहा उठो तो उसे उठना पड़ा था। सब बड़े थे, बड़े शक्तिशाली थे, उसकी अपनी कोई सामर्थ्य ना थी। वो बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ पत्ता जैसा था, जो कोई कुछ कह दे सब पर निर्भर था। जरा सी आंख का इशारा और उसको डर जाना पड़ेगा। उसके हाथ में कुछ भी सामर्थ्य ना थी, उसने उसको बंद कर दिया, वो ख्याल ही छोड़ दिया कि मैं कभी था ऐसा, बात खत्म हो गई। वो 4 साल के पहले की याद ही नहीं करता। मजे की बात है, हिप्नोटाइज करके आपको याद करवाई जा सकती है। 4 साल पहले की नहीं, माँ के पेट में भी जब आप थे तब की भी स्मृति बनती है।
अगर माँ गिर पड़ी हो आपकी तो बच्चे को उसके पेट में स्मृति बनती है कि चोट पहुंची, तो वो भी याद करवाई जा सकती, लेकिन साधारणता होश में नहीं रहती। तो इस तिलक को सुख के साथ जोड़ने का उपाय कारण पूर्वक है। जब भी सुख की कोई घटना घटे तिलक कर दो, सुख याद रहेगा साथ में तिलक भी याद रह जाएगा, और धीरे धीरे सुख अगर तीसरे आंख से संयुक्त हो जाए, ये लाफ एसोसिएशन को थोड़ा समझ लें। पावलफ ने बहुत से प्रयोग किए। इस सदी में रूसी वैज्ञानिक पावलफ एसोसिएशन के ऊपर सर्वाधिक काम किया है। उसका कहना है कोई भी चीज जोड़ी जा सकती है, सब जोड़ सहयोग के हैं। जैसे उसका प्रयोग सबको पता है कि वह कुत्ते कुत्ते को खाना देगा तो रोटी सामने रखेगा तो लार टपकेगी, तभी वो घंटी बजाता रहेगा। अब घंटी से लार टपकने का कोई भी संबंध नहीं, कितनी घंटी बजाई लार कैसे टपकेगी कुत्ते की, लेकिन रोटी रखी लार टपकी तब घंटी बजाई, 15 दिन वो रोटी के साथ घंटी बजेगी, 16वें दिन रोटी तो हटा ली सिर्फ घंटी बजाई लार टपकने लगी। क्या हुआ क्या कुत्ते को? घंटी से लार का कोई भी नैसर्गिक संबंध नहीं है, लेकिन अब संबंध जुड़ गया, रोटी के साथ घंटी एक हो गई, घंटी का बजना रोटी की याद बन गई, रोटी की याद चक्र शुरू हो गया उसके मन में, रोटी का लार टपकनी शुरू हो गई, घंटी प्रतीक की तरह आ गई, वो रोटी का सिंबल हो गई। इस कानून का उपयोग तिलक में किया गया है, आपके सुख के साथ तिलक को सदा जोड़ा, जब भी सुख की कोई घटना घटी तिलक, तिलक और सुख को एक किया, धीरे धीरे तिलक और सुख इतने एक हो जाएं कि तिलक को कभी भूला ना जा सके, एक वो आपके स्मरण में टक जाए बैठ जाए, और जब भी सुख की याद आए तब आज्ञा चक्र की याद आए, जब भी सुख की याद आए तब जो पहली याद आए वो आज्ञा चक्र की याद आए। और सुख की हमें बहुत याद आती है, सुख में तो हम चाहे हुआ हो या ना हुआ हो उसकी याद में तो जीते, जितना होता है उससे ज्यादा बड़ा करके याद करते रहते हैं पीछे पीछे, तो धीरे धीरे तो उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सुख को हम बड़ा करते रहते हैं, मैग्निफाई करते रहते हैं, दुख को छोटा करते रहते हैं, एक ही नियम के अनुसार सुख को बड़ा करते रहते हैं। आपकी प्रेसी मिली थी, कितना सुख आया था, आज सोचेंगे तो बहुत बड़ा मालूम पड़ेगा, अभी मिल जाए तो पता चले एकदम छोटा सिकुड़ जाए, और कल हो सकता है फिर 24 घंटे बाद आप मैग्निफाई करें, आह कितना आनंद। वो पीछे हमारा मन सुख को बड़ा करता जाता है। असल में इतना दुख है जीवन में कि अगर हम सुख को बड़ा ना कर पाए तो जीना बहुत मुश्किल, उसको बड़ा करके रस ले लेके चलाते, इधर पीछे बड़ा कर लेते हैं उधर आगे आशा में बड़ा कर लेते हैं और चलते। तिलक के साथ सुख को जोड़ने का प्रयोजन है कि जब सुख बड़ा हो तो तिलक भी बड़ा हो जाए, और जब सुख की याद आए तो तिलक की भी याद आए, और ये चोट जो है याद की धीरे धीरे सुख आज्ञा चक्र से जुड़ जाए कि जब भी जीवन में सुख आए तो आज्ञा चक्र का स्मरण आए, और ये हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो आपने सुख का उपयोग किया तीसरे आंख को जगाने के लिए, सब सुख की स्मृतियां आज्ञा के चक्र से जुड़ गई। अभी हम सुख की धारा का उपयोग कर रहे हैं उसको चोट करने के लिए, ये चोट जितने मार्गों से पड़ सके उतना उपयोगी है। जिन मुल्कों में तिलक का उपयोग नहीं हुआ वो वे ही मुल्क हैं जिनको थर्ड आई का कोई पता नहीं है, ये आपको ख्याल होना चाहिए। जिन जिन मुल्कों को तीसरी आंख का थोड़ा भी अनुमान हुआ उन्होंने तिलक का उपयोग किया, जिन मुल्कों को कोई पता नहीं है वे तिलक नहीं खोज पाए। तिलक खोजने का कोई आधार नहीं था, समझने थोड़ा आकस्मिक नहीं है कि कोई समाज एकदम से उठाए और एक टीका लगा के बैठ जाए, पागल नहीं है। अकारण माथे के इस बीच के बिंदु पर ही तिलक लगाने की सूझ का कोई कारण भी तो नहीं है, ये कहीं भी तो और लगाया जा सकता, आकस्मिक नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण हो तो टिक सकता है।
और भी आपको एक दो तीन बातें इस संबंध में कहूं। एक, आपने कभी ख्याल ना किया होगा, जब भी आप चिंता में होते हैं तब आपकी तीसरी आंख पर जोर पड़ता है, इसलिए माथा पूरा का पूरा सिकुड़ता है, उसी जगह जोर पड़ता है जहां तिलक। इसे बहुत चिंता करने वाले, बहुत विचार करने वाले लोग, बहुत मननशील लोग अनिवार्य रूप से माथे के बल डाल के उस जगह की खबर देते हैं। और जिन लोगों ने, जैसे मैंने पीछे कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ भी तीसरी आंख पर जोर किया है, उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर अगर आप हाथ फेराएं तो आपको तिलक की प्रतीति होगी, उतना हिस्सा थोड़ा सा धसा हुआ होगा, थोड़ा सा किंचित ठीक तिलक जैसा धसा हुआ होगा, दोनों तरफ हिस्से थोड़े उभरे हुए होंगे, ठीक उस जगह पर जहां पिछले जन्मों में मेहनत की गई है वहां थोड़ा सा हिस्सा धसा हुआ होगा, और आप उंगली अंगूठा लगा के भी, आंख बंद करके भी पहचान सकते, वो जगह आपको अलग मालूम पड़ जाएगी। तिलक हो या टीका, टीका उसका ही विशेष उपयोग है तिलक का, लेकिन दोनों के पीछे तीसरी आंख छिपी हुई है। हिप्नोटिस्ट एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, चारकाट फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनस्विद हुआ है जिसने इस बात पर बहुत काम किए। आप भी छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपको चारकाट की बात ख्याल में आ जाएगी। अगर आप किसी के सामने उसके माथे पर दोनों आंखें गड़ा कर देखें तो वो आदमी आपको गड़ाने न देगा। अगर आप किसी के माथे पर दोनों आंखें गड़ा के देखें तो वह आदमी जितना क्रुद्ध होगा उतना किसी और चीज से नहीं हो सकता, इसलिए वो तो अशिष्ट व्यवहार है, वो तो आप कर नहीं पाएंगे। पर सामने से तो बहुत निकट है, वो सिर्फ डेढ़ इंच के फासले पर है। अगर आप किसी के माथे पर पीछे से भी दृष्टि रखें तो भी आप हैरान हो जाएंगे। रास्ते पर आप चल रहे हैं, कोई आदमी आपके आगे चल रहा है, आप ठीक जहां माथे पर ये बिंदु है तिलक का, ठीक इसके आर पार अगर हम एक छेद करें तो पीछे जहां से छेद निकलता हुआ मालूम पड़ेगा, अनुमान करके उस जगह दोनों आंखें गड़ा दें और आप कुछ ही सेकंड आंख गड़ा पाएंगे कि वो आदमी लौट के आपको देखेगा। सिर्फ होटल के बैरे भर नहीं देखेंगे, उन पर भर आप प्रयोग मत कर किसी होटल में बैठ के। उसका कारण सिर्फ वे लोग नहीं देखेंगे, जैसे मैंने होटल के बैरे का आपको कहा, वो जान के कहता कि आपको ख्याल में आ जाए, होटल का बैरा भर आप कितना ही उसके पीछे माथे पर गड़ाए नहीं देखेगा, क्योंकि वो पूरे वक्त ग्राहकों से बचने की कोशिश में, वो जैसे ही उसको पता चल जाए कि कोई उसमें उत्सुक है वो और ज्यादा दूसरी टेबलों के आसपास चक्कर मारने लगा, इसलिए वो भर आपको नहीं देखेगा, बाकी कोई भी देख लेगा। अगर आप ठीक से थोड़े दिन अभ्यास करें और उस आदमी को सुझाव दें तो सुझाव भी वो आदमी मानेगा। समझ लें कि आप एक आदमी के पीछे लौट के पीछे आप देखते हैं किसी आदमी के माथे पर गड़ा के आंख, पलक नहीं झपे, कुछ सेकंड बिना पलक झपे देखते ना, वो आदमी पीछे लौट के देख, अगर वो आदमी लौट के देखता है तब आप उसको आज्ञा भी दे सकते हैं। फिर दोबारा उस आदमी को आप कहें बाएं घूम जाओ तो वो आदमी बाएं घूमेगा, बड़ी बेचैनी अनुभव करेगा, हो सकता है उसको दाएं जाना हो, या आप थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मगर ये तो पीछे से, जहां से कि फासला बहुत ज्यादा है, सामने से तो बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं, बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं। जितने लोग भी हल्के किस्म का शक्तिपात करते रहते हैं वो आपके इसी चक्र के कारण, और कुछ कारण नहीं होता। कोई साधु कोई सन्यासी अगर शक्तिपात के प्रयोग करते रहते हैं लोगों पर तो वो ये कि आपको आंख बंद करके सामने बिठा लिया है, आप समझ रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके माथे के इस बिंदु पर दोनों आंखें गड़ा के बैठे, लेकिन आप तो आंख बंद किए बैठे। और इस बिंदु पर जो भी आपको सुझाव दिया जाए वो आपको भ्रांति प्रतीति फौरन हो जाएगी, और कहा जाएगी भीतर प्रकाश ही प्रकाश, आपको भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, बस इधर से आप गए कि वो विदा हो जाए, दो चार दिन उसकी हल्की झलक रह सकती है फिर समाप्त हो जाए, वो कोई शक्तिपात वगैरह नहीं।
वो सिर्फ आपके आज्ञा चक्र का थोड़ा सा उपयोग है। ये तृतीय नेत्र की अनूठी